गुजरात में बीजेपी का सिक्सर, पहले से कम सीट मिलने के बावजूद बीजेपी को फिर मिला बहुमत। कांग्रेस के नतीजों पर दिखा राहुल का दम, पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के दो बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल और पोरबंदर से अर्जुन मोटवाड़िया चुनाव हारे। हिमाचल के चुनाव नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में, 5 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता में लौटी बीजेपी, करीब 2/3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस के साथ हिमाचल की सत्ता छिनी। हिमाचल में बीजेपी को जीत के बावजूद पार्टी के लिए बड़ा झटका, सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर सीट से चुनाव हारे। अमित शाह ने धूमल को घोषित किया था सीएम उम्मीदवार, हार पर बोले धूमल, निजी हार अहम नहीं है, बड़ी बात यह कि पार्टी जीती। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को चुनाव में जीत के बाद करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कमेटी चौक पर इकट्ठा होकर ढोल पटाखे बजाकर डांस किया और लोगों को लड्डू बांटे। बीजेपी ने कहा कि आज बीजेपी की जीत से लगता है कि विकास की जीत हुई है, जनता और व्यापारियों को जीएसटी मंजूर है, बीजेपी की नीतियां मंजूर हैं जिससे दोनों राज्यों में जीत मिली है। सीएम सिटी करनाल में भी उत्साह है, आज सभी जीत की मोदी जी को, मनोहर लाल जी को बधाई दे रहे हैं। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की हुई जीत के बाद गोहाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के ऑफिस में इकट्ठा होकर जीत की खुशी मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और लड्डू बांटे। इस दौरान जिला अध्यक्ष के ऑफिस पर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। बीजेपी पार्टी के सोनीपत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल ने गुजरात व हिमाचल में बीजेपी को हुई जीत को लेकर कहा कि आज पूरे देश की नजर इन चुनाव पर थी और इन चुनाव में विपक्ष ने पूरा जोर लगाकर बीजेपी को हराने की कोशिश की थी, लेकिन गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास किया। यमुनानगर के ससोली रोड पर शराब के ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी के ठेके में घुसकर 3 अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या की। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मृतक का मोबाइल और उसका कैश लेकर फरार हो गए। बाइक सवार हमलावरों ने 2 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। मर्डर की लाइव तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में लूट और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नरवाना में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, ढाबी टेक का सिंगवा रसीदा गांव के बीच घटना हुई। संतुलन बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई कार, गाड़ी में सवार विक्रम पुत्र कृष्ण वासी कालभन और दयानंद पुत्र रामचंद्र वासी कैथल की भी मौत हो गई। प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम में 10 नए थाने तो खोल दिए, लेकिन उन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं है। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में आज से 3 दिन की कार्यशाला का आयोजन, देश के अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिक अधिकारी पहुंचे। इस कार्यशाला में वैज्ञानिकों को दी जाएगी गेहूं की फसल की को बीमारियों से बचाने की जानकारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के करोड़ा गांव में मिली बच्ची की लाश, सरसों के खेत में मिली बच्ची की लाश, कल शाम से गायब थी बच्ची। दिल्ली मेट्रो की बोटानिकल गार्डन से लेकर कालका जी तक का नई लाइन तैयार, 25 दिसंबर को होगा नई लाइन का उद्घाटन। इस लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस लाइन के तैयार होने से नोएडा से साउथ दिल्ली और फरीदाबाद का सफर आसान हो जाएगा। नगर निगम ने जारी की डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया की रिपोर्ट। दिल्ली में मलेरिया के मरीज हुए 1141, राजधानी के मरीजों की संख्या 5575 और पिछले 16 दिनों में 3 नए मामले। डेंगू के मरीजों की संख्या 9259 हुई, राजधानी के मरीजों की संख्या 4727, पिछले 1 हफ्ते में 45 नए मामले। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 943 हुई, राजधानी के मरीजों की संख्या 561, पिछले 1 हफ्ते में 10 नए मरीज। गाजियाबाद के आरडीसी में नशे और रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारी। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत काफी नाजुक है, आरोपी चालक गिरफ्तार। भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की।
नॉर्थ दिल्ली के शालीमार बाग में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 16 दिसंबर की शाम को सनसनीखेज वारदात हुई। शालीमार बाग के एक पार्क में 16 साल की लड़की बनी वारदात की शिकार। 3 युवकों ने दिया गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम। बोरे में बंद मिली युवक की लाश, नाले में मिली बोरे में बंद लाश, युवक की नहीं हो सकी पहचान, इलाके में सनसनी। दिल्ली के जलकम इलाके की घटना है, पुलिस से शव की शिनाख्त कराने में जुटी है, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए।